पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एम्स लाए गए। रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में हुए भर्ती, डॉक्टरों की सलाह के बाद कराया गया भर्ती। 71 साल के हुए लालू प्रसाद यादव, लालू के जन्मदिन पर बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप ने काटा केक। राबड़ी देवी बोली, ऑल इज वेल। बीएसपी से गठबंधन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले गठबंधन होकर रहेगा चाहे सीटों का देना पड़े त्याग। पिछड़ों को साधने में जुटी कांग्रेस, दिल्ली में कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन आज, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे इस सम्मेलन को संबोधित। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर पी चिदम्बरम का सरकार पर वार, मोदी के राज में 5 लाख लोग हुए बेरोजगार, नोटबंदी और जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को किया बर्बाद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, कहा हमने बिजली के दाम कम किए इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। 2019 के लिए विपक्षी एकता की एक और कोशिश, शरद पवार से मिले राहुल गांधी, आगामी रणनीति पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश पर शरद पवार ने ली चुटकी, बोले सहानुभूति बटोरने के लिए बीजेपी ने रचा ठोंग, भीमा कोरेगांव हिंसा में हुई गिरफ्तारियों पर भी उठाए सवाल। प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा का बड़ा बयान, बोली मेरे पिता अब सक्रिय राजनीति में नहीं उतरेंगे, 2019 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने संबंधी अटकलों को शर्मिष्ठा ने किया खारिज। 13 जून को कांग्रेस ने इफ्तार पार्टी का किया आयोजन, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को नहीं भेजा न्योता। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा के जंगलों में सेना पर आतंकी हमला, 2 जवान घायल, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का आरोप, राजधानी में आप और कांग्रेस गुपचुप गठबंधन की तैयारी में है। गोरखपुर कांड के बाद चर्चा में आए डॉक्टर कफील के भाई पर जानलेवा हमला, गोरखनाथ मंदिर के पास बाइक सवारों ने बरसाई गोलियां, डॉक्टर कफील की मां बोली मेरे परिवार को पुलिस सुरक्षा की जरूरत। दिल्ली में शनि धाम मंदिर के संस्थापक दांती महाराज के खिलाफ केस दर्ज, 2 साल पहले लगा था रेप का आरोप। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा, कन्नौज के पास रोडवेज बस ने 6 छात्रों समेत 7 लोगों को कुचला, योगी सरकार ने घटना पर जताया दुख, मृतक के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ाई, हरियाणा पुलिस ने सलमान की हत्या की साजिश रचने वाले गैंगस्टर संपत नेहरा को किया था गिरफ्तार, 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया संपत नेहरा। किम जोंग उन के बाद अब सिंगापुर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कल दोनों के बीच होगी ऐतिहासिक मुलाकात। अमेरिका का F-15 लड़ाकू जेट जापान के ओकिनावा के समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त, समुद्री सुरक्षा बल हेलीकॉप्टर की मदद से पायलट को बचाया गया, हादसे के कारणों की जांच जारी। टेनिस स्टार राफेल नडाल ने जीता फ्रेंच ओपन सिंगल्स का खिताब, 11वीं बार फ्रेंच ओपन का टाइटल किया अपने नाम, डोमिनिक थिएम को 6-4, 6-3, 6-2 से दी मात। और इंटरकॉन्टिनेंटल कप पर भारत का कब्जा, भारत ने केन्या को 2-0 से हराया, सर्वाधिक गोल कर मेसी के बराबर पहुंचे सुनील छेत्री।